गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कहानी पत्ता कहानीकार सन सिंह सेखो। पत्ता कहानी साड़ी पंजाबी दी पाठ पुस्तक काव कथा संवेदना विच दर्ज है। असी पहले पत्ता कहानी दा एक एक्सट्रैक्ट डिस्कस कर चुके हैं, आज असी इसका दूसरा एक्सट्रैक्ट डिस्कस करांगे। इस दी एक्सट्रैक्ट लाइन्स ने तेरी भाभी पीतो पड़े हुए दी बहू है ओ नहीं रोटी लैके जांदी। पहला प्रश्न, ये शब्द किस कहानी विचो लए गए हैं, कहानीकार दा नाम भी दसो। उस तो बाद दूसरा प्रश्न, ये शब्द किसने किसनों कहे। तीसरा प्रश्न, पीतो दी भाभी कित्थे रोटी लैके जांदी, इस पिछे दे कारण नूं विस्तार सहित दसो। चौथा प्रश्न, इस कहे वाक विच पीतो ना आया है, इस कहानी दा केहो जिहा पात्र है। हुण बच्चे असी दा पहला प्रश्न देखांगे, ओ सेम ही है जिहड़ा कि असी पहले एक्सट्रैक्ट दे विच कीता सी कि ये शब्द किस कहानी विचों लए गए हैं, और जिहड़ा असी प्रसंग कीता सी ओ वाला सारा पार्ट इहदे विच आ जाएगा कि सेम एज एक्सट्रैक्ट वन आंसर वन, प्रसंग वाला सारा पार्ट इहदे च आ जाएगा। हुण आ जाओ दूसरा प्रश्न, ये शब्द किसने किसनों कहे। वार्तालाप के आधार से ये शब्द नामो दे प्यो ने पीतो नू गल चवाउंदिआं ये शब्द कहे सन, ठीक है जी। हुण आ जाओ तीसरा प्रश्न, पीतो दी भाभी कित्थे रोटी लैके जांदी, नहीं जांदी। इत्थे करैक्शन करना, नहीं जांदी, इस पिछे दे कारण नू विस्थार सहित दसो। पीतों की भाभी खेतों विच सियाड़ कढ़ रहे अपने बापू ते कामियां ले रोटी लैके नहीं जांदी, क्योंकि उसका पति कॉलेज पढ़ता सी ते पीतों का प्यो हल वाया करता सी, ठीक है। हुण बेटे ए सारा असी एज इट इज़ ही पेज नंबर 12 ते अपनी बुक तो भी कर सकते हाँ, देखो ठीक है। उसका भरा कॉलेज भी पढ़ा, इतने आ गया पति, तो प्यो ही कामिया नाल हल वांदा सी, उन्हां दी रोटी या पीतो दी माँ लैके जांदी सी, या जिस दिन प्यो हल ना जावे ओ जांदा सी, ते कदे कदाए पीतो दी रोल भी आ जांदी सी। इस तो इलावा अगली लाइन च, जे मुंडा हाली ना होवे तां वोटी रोटी लैके नहीं जांदी, ठीक है बेटे। अगे असी ऐड कर लांगे वोटी तक हो गया, ते नाल ही नाल पीतों दी भाभी पढ़िया लिखिया नाल संबंध रखती सी, और रज्जे पुज्जे घर दी मालकन सी, ते ओ मरब्बियां दी मालकन सी, उसदा पिछोकड़ चंगे खानदान नाल संबंध रखता सी, ओ मड़क नाल रहिंदी सी। सो इन्ना उपरोक्त कारना करके पीतों दी भाभी खेतां विच पत्ता लैके नहीं जांदी सी। इस वाक विच पीतो ना आया है, एक कहानी दा किहो जिहा पात्र है। नंबर एक, जान जान पीतो इस कहानी दी मुख पात्र है, उसकी सहेली दा नाम नामो है, कहानी दीआं बहुत सारीआं घटनावां उस नाल संबंध रखदीआं हन। नंबर दो, लाडली, ओ लाडली धी है, उसके माता पिता उस नाल बहुत प्यार करदे हन। ये गल उस समय स्पष्ट हुंदी है जदों ओ पत्ता लैके खेत विच पहुँचती है, तो उसका बाप उसनू देख के बहुत खुश हुंदा है, ते नाल ही नाल कामे भी उसनू पुचकारदे हन। नंबर तीन, माँ दी आज्ञाकार, ओ माँ दी आज्ञाकार धी दे रूवे साढ़े सामने दृष्टिमान हुई है। जदों उसकी माँ उसनू पत्ता लैके खेतों विच जाण लई आखदी है, तो वह बिल्कुल भी ना नुक्कर नहीं करती, सगो खीड़े मत्थे अपनी सहेली नामो दे नाल पत्ता लैके खेतों विच चली जाती है। नंबर चार, सोहल कुड़ी, ओ एक सोहल कुड़ी दे रूप विच साढ़े सामने स्पष्ट हुई है, जदों ओ नामो दे नाल पत्ता दे के घर वापस मुड़ रही हुंदी है, तां ओ थक जाती है, तां नामो उसनों एक टाली दे हेठां बैठन दा इशारा करती है, तां ओ झट दे के उत्थे बैठ जाती है। नंबर पंज, डरपोक, ओ एक डरपोक कुड़ी दे रूप विच भी दृष्टिमान हुई है,
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੀਤੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਡਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੋਹਲ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਡਰਪੋਕ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਹਿੰਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।